लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों को इस रूम को दिखाया था, इस रूम का पूरा मैंने टूर दे रखा है। ये मैंने हावड़ा रेलवे स्टेशन में ये रूम लिया था। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना हो तो आप लोग मेरा लास्ट वीडियो देख लो। तो अभी मेरा ट्रेन सुबह के 6 बजे है, ऑलरेडी 5:40 हो गया है, तो हम लोगों को जल्दी से निकलना होगा। तो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत हावड़ा स्टेशन से, हावड़ा स्टेशन के इस रूम से। और बाहर का आप लोगों को मैंने व्यू दिखाया, बाहर तो काफी डार्क हो गया, अभी तो कुछ दिखेगा नहीं। चलो अभी फटाफट निकलते हैं, काफी लेट हो गया है। कुछ ये रूम है देख लो, आप लास्ट वाला वीडियो देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। IRCTC संपत रेल यात्री निवास, जिस रूम में मैं स्टे कर रहा था, यहाँ पे देख लो 770+100। भाई साहब स्टेशन का हॉल कुछ खस्ता है। और ये 100 रुपया वो लोग एक्स्ट्रा डिपॉजिट लेते हैं रूम के लिए, तो 100 रुपया मिल चुका है, वो स्लिप दिखाना पड़ेगा आपको। 5:45 हो गया और अभी भी हम लोग स्टेशन में ही है। अरे ये तो वही हो गया, तेजस वाला सीन हो गया। और ये वाला जो रांची शताब्दी है, ये आज से स्टार्ट हुआ है, मतलब कैटरिंग सर्विस ना। ऑलराइट, तो अभी टाइम देख लो, ऑलमोस्ट 6 बज चुका है, एकदम टाइम से पहले ही हम लोग ट्रेन में आ गए। 6:05 का इसका टाइमिंग है ना, तो 6:05 में इसका यहाँ से चलने का टाइम है। और देख लो ट्रेन कितना क्लीन लग रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात का है कि चलो वापस से कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो गया। मुझे जैसे ही पता चला, जैसे ही मैंने एक दो वीडियोस देखा कैटरिंग को लेकर, मैं तो भाई एक्साइटेड हो गया। फिलहाल अभी पूरा स्टाफ वगैरह यहाँ पे फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहा है, आज से स्टार्ट हुआ है ना कैटरिंग सर्विस। और 5 मिनट में ये ट्रेन यहाँ से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा, पीछे की तरफ जाएगा। हाँ जी, तो अभी देख लो 6:04 हो गया, 6:05 में इसका चलने का टाइम है, देखते हैं टाइम पे चलता है कि नहीं। देख लो बाहर 6:04 हो रहा है अभी। और लेग स्पेस वगैरह की क्या ही बात करूं मैं, इसको मैंने कितने बार बताया हुआ है, आप लोग जाके पुराने वीडियोस देख लेना, मैंने बहुत बारी कवर करा हुआ है। और ये साफ सफाई तो हमेशा ही देखोगे आप। 6:05 हो गया लेकिन ट्रेन अभी भी प्लेटफॉर्म में ही खड़ी है। वैसे ट्रेन तो यहाँ से चल पड़ा है, इसका जो पहला स्टॉप है यहाँ से दुर्गापुर, उसके बाद रानीगंज, फिर आसनसोल, धनबाद, चंद्रपुरा जंक्शन, बोकारो स्टील सिटी, मूड़ी जंक्शन, रांची। ज्यादा स्टॉप है यार इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टॉप है। वैसे अगर मैं अपने टिकट की बात करूं तो मैंने इसको बुक किया है IRCTC के ऐप से, पर पर्सन 1900 रुपए के करीब पड़ा, टोटल 3800 के आसपास था, कुछ वही 1900 रुपए के आसपास पड़ा था। 3854, तो टोटल 3854 पड़ा, जिसमें फूड भी इंक्लूड है। फूड में क्या क्या मिलता है वो वीडियो में बने रहो, वो तो पता चलेगा ही आपको। बाबा पता नहीं कितने दिन बाद मिलेंगे, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। सबसे पहले मिल चुका है हम लोगों को ये पानी का बोतल, बोतल छोटा हो गया, पहले 1 लीटर का बोतल मिलता था, अभी वो छोटा वाला बोतल मिलता है। लेकिन एक चीज होता है कि पहले 500 ml देते फिर बाद में देते, क्योंकि मैंने देखा है 1 लीटर वाला बहुत लोग वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा पीते हैं रख कर चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये अभी अखबार देकर गए, एक इंग्लिश और एक बांग्ला, वो पूछते हैं आपसे आपको कौन सा चाहिए। फोटो देखने का काम आएगा, ये पढ़ने में काम आएगा, काम करता है। बाकी ट्रेन एकदम फर्स्ट क्लास चले जा रहा है। चाय का वेट कर रहा हूँ यार, चाय पीने का मन कर रहा है, ढंग का चाय नहीं मिला हम लोगों को, चाय मिला ही नहीं है, ढंग का छोड़ो चाय मिला ही नहीं है। तो अभी टाइम देख लो 6:43 हो रहा है और ये आ गया हम लोगों का चाय। भाई साहब ये सब चीज देखने के लिए तरस गए थे हम लोग, कितने दिन से ये सब चीज मिसिंग था, मतलब मिल ही नहीं रहा था। खैर कोई नहीं, देख लो यहाँ पे एक टी किट है, टी किट में दिखाता हूँ अंदर में क्या क्या है, साथ में एक गुड्डे बिस्किट है। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, इस बार जितना भी कटलेरीज है ना, सब चीज को चेंज किया गया है, पुराने कप या फिर प्लेट में ही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नया है। ये शायद मेरे को लग रहा है इस बार का जो कैटरिंग सर्विस है मील्स ऑन व्हील्स के टाइप के साथ हो रहा है, मतलब IRCTC शायद पार्टनर होगा मेरे हिसाब से। दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो ये टी किट के अंदर में ये आपको मिल जाएगा एक पाउडर दूध का पाउच, साथ में एक टी बैग, शुगर, बस यही मिलेगा। ये वाला चाय इतना बढ़िया होता नहीं है, लेकिन खैर कोई नहीं, चाय बनाते हैं। इसके अंदर गर्म पानी है, चाय तो बन गया और टिकट भी चेक हो गया हमारा। इतू सा तो बनाया दूध जैसा था, एकदम बेकार, एकदम कम पानी देकर भी बनाया तो अच्छा नहीं बना। ये मैंने पहले भी बताया, इस टाइप का चाय मुझे नहीं पसंद है, इससे बेटर तो गर्म पानी पी लेते हैं। और बाहर का मौसम देख लो कैसा हो रखा है। अभी हम लोग का हर बार का ही हो गया, जब भी ट्रैवल के लिए निकलते हैं बारिश होता ही होता है। हम लोगों ने जैसलमेर में बारिश करवा दिया। बजकर 18 मिनट में हम लोग स्किप कर रहे हैं बर्दवान जंक्शन को, यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं है दुर्गापुर में, और ट्रेन जो है 12 मिनट लेट भी है।
अब धीरे धीरे बाहर का मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है देखो, लेकिन अभी भी वहाँ काले बादल है, वहाँ जम के बारिश होने वाला है। मतलब ट्रेन अभी बहुत स्पीड से चले जा रहा है, पता नहीं आप लोगों को मेरा ऑडियो कैसा आ रहा है, लेकिन वॉशरूम में बोलूंगा एकदम क्लीन है। तो कुछ ऐसा वॉशरूम है देख लो, क्लीन है, मैं बोलूंगा काफी क्लीन है। हीटर साथ में है, लिक्विड भी है, बाकी इधर एक बड़ा सा मिरर, इधर मोबाइल होल्डर भी है। जो ट्रेन है हावड़ा से 6:05 में चला था और अभी हो रहा है 7:42। अभी मैं इनके वॉशरूम में गया था, वॉशरूम एकदम क्लीन। 15 मिनट डिले तो ये जो ट्रेन है 15 मिनट डिले भी है। बारिश तो कंटिन्यू हम लोग को मिले ही जा रहा है। हाँ जी, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी अब आ गया है। अच्छा, नॉनवेज और वेज में क्या रहेगा दादा? नॉनवेज में ऑमलेट है, वेज में कटलेट है, उपमा। हाँ जी, तो देख लो ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। क्या क्या है इसमें वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन ऊपर देख लो यहाँ पे एक बनाना, साथ में किसान का जैम है, केचप है, सॉल्ट एंड पेपर, एक ट्रॉपिकाना का गुआवा डिलाइट जूस भी है। तो 7:54 में ये आ गया हमारा पहला स्टॉप दुर्गापुर, और यहाँ इसका पहुँचाने का टाइम था 7:48। और यहाँ ब्रेकफास्ट भी आ गया हमारा, कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, ऑमलेट और गिना चुना फ्रेंच फ्राइज। अच्छा पापा इधर देख लो, अलग से दूध भी ले लिए चाय के लिए। इसका तो प्लान है मेरा सैंडविच बनाने का, बहुत दिन हो गया सैंडविच बनाए हुए। हाँ भैया, कॉर्नफ्लेक्स खाना हो गया, अब बनाते हैं सैंडविच, वही मेरा पुराने स्टाइल का सैंडविच। सबसे पहले ये ब्रेड, बटर लगाने के बाद अब इस पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। यहाँ पे जैम का भी ऑप्शन है और केचप का भी ऑप्शन है, लेकिन जैम ऑमलेट के साथ मज़ा नहीं आता है, साइड करते हैं, ये जाएगा। अब इस पे ये रखेंगे गिना चुना फ्रेंच फ्राइज। बाप रे, ये तो मोटा मोटा आलू का भुजिया है, पूरा एकदम टेढ़ा मेढ़ा सैंडविच। ये गया ऊपर से, ये पूरा इसको अच्छे से दबा लेना है। इससे बढ़िया सैंडविच आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बस अपना ये सैंडविच और साथ में ये नज़ारे दोनों एंजॉय करता हूँ मैं। ये मैं अपना सैंडविच एंजॉय करते करते पहुँच गया रानीगंज। ब्रेकफास्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ये बस एक जूस बचा है, इसको बाद में पियेंगे। वैसे हम लोग आसनसोल पहुँचने ही वाले हैं। भाई तो अगर मैं इस ट्रेन के टाइमिंग की बात करूँ तो 6:05 में ये हावड़ा से खुलता है और 1:15 में ये रांची पहुँचता है। इसके बीच में इसका 7 स्टॉप है, जिसमें से ये इसका तीसरा स्टॉप आ रहा है। देख लो हम लोग ये आसनसोल पहुँच चुके हैं, लेकिन इससे ट्रेन आ गया तो स्टेशन नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं। और ये हमारे जस्ट बगल में काठगोदाम उत्तराखंड से आ रहा है। मैं जब गोरखपुर जाता था ना तो इसी ट्रेन से जाता था। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, इसलिए अभी देख लो वेदर पूरा क्लियर हो गया, यहाँ तो लग रहा है बारिश ही नहीं है। और पापा इधर देख लो, एक बार और चाय मांग लिए, और हाँ वाटर बॉटल मांगने से मिल गया एक एक्स्ट्रा। वेदर भी पूरा क्लियर हो गया, दूर में पहाड़ भी दिख रहा है। इतना गहरा नींद आया कि धनबाद भी मिस हो गया, और भी पता नहीं धनबाद के बाद ये अभी कोई चंद्रपुरा जंक्शन पे रुका है ट्रेन। तो ये सामने देख लो चंद्रपुरा जंक्शन, 10:30 बज रहा है, अभी लेट हुआ चेंबूर। जस्ट अभी हमारा ट्रेन बोकारो पहुंचा है, मैं वॉशरूम में था, देखा ट्रेन रुका है, पता नहीं था कौन सा स्टेशन है, अभी देखा तो ये बोकारो है। टाइम देख लो 11:30 बज रहा है और ये आ गया है हमारा सूप, साथ में ब्रेड स्टिक है, अमूल बटर है, सॉल्ट एंड पेपर है। सूप देखकर तो बहुत ही पतला लग रहा है, टेस्ट करके बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। फिलहाल अभी ट्रेन चले जा रहा है और यहाँ का भी मौसम अभी थोड़ा सा अजीब हो गया है, सूप तो उतना बढ़िया नहीं लगा मुझे। ये जो ब्रेड स्टिक है मैं इसी में डालकर खाता हूँ, वैसे मुझे अच्छा लगता है, काफी पतला सा सूप है, उतना गाढ़ा नहीं है। सूप मुझे याद है राजधानी में मुझे मिला था, भाई साहब क्या सूप था वो, वैसा सूप मुझे आज तक नहीं मिला। आई बटन में लिंक मिल जाएगा वो राजधानी वाले वीडियो का, जाके देखना, वो जो सूप दिया था ना उन लोगों ने मस्त। जर्नी जितना भी स्मूथ हो, बैठे बैठे आदमी पक जाता है। फिलहाल अभी हम लोग पहुंचे हैं मोड़ी जंक्शन, ये लास्ट स्टॉप है इसका, इसके बाद डायरेक्टली रांची। पापा इधर देख लो अपना पूरा हिसाब किताब करते हुए, पेपर का सही यूज तो अभी है। और यहाँ से रांची 58 या 59 किलोमीटर है। जी तो ये हमारा लंच आ चुका है, लंच में ये ऑप्शन देते हैं वेज या नॉन वेज का, तो दिखाते हैं लंच में क्या क्या है वैसे। और मैंने एक चीज़ देखा है, अगर आप टिकट बुक करते समय नॉन वेज या वेज का ऑप्शन चूज भी करोगे ना, वो अंदर आकर आपसे पूछते हैं कि वेज चाहिए या नॉन वेज। हाँ जी, तो देख लो लंच में ये सारे आइटम है, राइस, दाल, चिकन,
आलू गोभी का सब्जी, रोटी। अच्छा ये कैसे मैं भूल सकता हूँ, एक एप्पल भी है, कटलेरीज वगैरह तो है ही, अचार भी है। सही है, टेस्ट करते हैं बताते हैं कैसा है। हाँ। पराठा और ये गोभी का सब्जी का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है। चिकन का ग्रेवी थोड़ा पतला है लेकिन अच्छा लग रहा है राइस के साथ। ये पूरा उबला हुआ दाल है, उबला हुआ दाल ऊपर से तड़का मार दिया है। चिकन मेरे को सॉफ्ट मिला है, दही भी है, इसको पता नहीं कैसे खाया जाएगा। चीनी मांगते हैं, मीठा दही बनाकर खाते हैं इसको। और बस रांची यहाँ से 21 किलोमीटर। हाँ जी, तो देख लो ये डेजर्ट में आ गया है पंतुआ। अच्छा हम लोग रांची भी पहुँच गया, पता ही नहीं चला। ठीक है सर, ऑल राइट। तो ये देख लो रांची स्टेशन, तो हम लोग स्टेशन में तो आ गए हैं। अभी सर मिले हैं, वीडियो देखते हैं मेरे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी होटल मिलना बहुत मुश्किल है रांची में, शादी का सीजन है ना इसलिए होटल मिलना बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और वैसे जर्नी जो था हमारा काफी स्मूथ था, साफ सफाई एक नंबर था, खाना ठीक था और अच्छा हो सकता है, कोई बात नहीं, वो हम लोगों ने फीडबैक दे दिया है। बाकी जर्नी सही था, टाइम से पहले ही पहुंच गए हम लोग। ये रांची का बेस्ट होटल आप बोल सकते हो, चाणक्य BNR होटल। लेकिन अभी तो कोई बजट होटल देखना होगा हम लोगों को, पहला दिन ही अगर BNR में चले गए तो फिर सारा वहीं लुट जाएगा। वहाँ पे लाइन से होटल हम लोग को दिख रहा है, देखते हैं वहाँ पे कोई सस्ता होटल लेते हैं कुछ। होटल सस्ता हो लेकिन लोकेशन अच्छा हो, स्कूटी भी रेंट करना है। वैसे स्टेशन में हम लोग को एक लॉयर मिल गए थे, वो भी ट्रेवल कर रहे थे हम लोग के साथ। उन्होंने हमें बहुत सारा आइडिया दिया, आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हो, रूम जाकर प्लान बनाते हैं कहाँ कहाँ हम लोग निकल सकते हैं, फिलहाल अभी रूम ढूंढते हैं। हाँ जी, तो हम लोग को एकदम स्टेशन के पास ही रूम मिल गया है। रूम टूर में क्या ही दूं, एक्चुअली मुझे बहुत दिन से रांची तो आना ही था और वैसे मेरा प्लान था अभी आसाम जाने का, लेकिन आसाम का हम लोग को टिकट नहीं मिल पाया इसलिए हम लोग वहां नहीं जा पाए। नहीं तो हमारा प्लान था अभी आसाम जाने का, उसके बाद रांची को अच्छे से कवर करने का प्लान था। लेकिन कोई नहीं, रांची का ट्रेन मिल गया, शताब्दी खाली था और ऊपर से जब मैंने सुना कि शताब्दी में अभी कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो गया, तब मैं बोला चलो कोई नहीं, इसी को अभी कवर कर लेते हैं, इसी बहाने थोड़ा रांची भी घूम लेंगे। मेन यही रीजन है रांची आने का। अभी देखते हैं आज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो बहुत थक गया हूं, थोड़ा सा आराम करना है। कल तो कहीं ना कहीं घूमने जाना ही है, हो सके तो इवनिंग में थोड़ा निकलूंगा आसपास, मतलब थोड़ा वॉक करने के लिए। और पापा इधर कैसा लगा इतने दिन बाद शताब्दी में ट्रेवल करके? सब कुछ ठीक है, सर्विस सब कुछ, खाना यार एकदम पसंद नहीं आया। तेजस के हिसाब से, तेजस कहाँ और ये कहाँ यार, हम लोग थक जा रहे थे यार तेजस में, तो हम लोग थक जाते थे, मतलब हम लोग को ऐसा लगता था ना कि भाई अब रहने दो ना यार, बाद में देना ना कुछ खाने का। हम लोग ITC मार्टा में कितना खाना लेकर बैग भर्ती करके यहाँ पे बस ये बचा देख लो। अभी क्या है कि आज से ही शायद सर्विस स्टार्ट हुआ था कैटरिंग का, हो सके आगे थोड़ा अपग्रेड किया जाए इसको, लेकिन अभी तो फिलहाल नॉर्मल था। ये मेरे वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि आप लोग को पता चल जाए कि हाँ अभी कैटरिंग सर्विस स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप अभी राजधानी या फिर शताब्दी से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ट्रेन में खाना मिलेगा। तेजस में थोड़ा प्रीमियम खाना मिलता है, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल। बाकी बस यही था जो आप लोगों ने वीडियो में देखा। खैर कोई नहीं, अब मैं ये वाले वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, रात में नींद नहीं हुआ वीडियो एडिट करने के चक्कर में, रूम लेकर भी मैं नहीं सो पाया। अभी जा रहा हूं मैं सोने के लिए। होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।